इस वक्त हम गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा में हैं, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मन्नू अंसारी हैं। मन्नू अंसारी के बारे में बता दे तो यह अंसारी परिवार से आते हैं और यह अंसारी परिवार की दूसरी पीढ़ी है जो इस बार के चुनाव में टक्कर देने के लिए तैयार हैं। मन्नू जी, आप चुनाव में आ चुके हैं, दूसरी अंसारी परिवार की दूसरी पीढ़ी आई है, क्या लगता है सामने वालों को कितना टक्कर दे पाएंगे? हमारा परिवार राजनीति में 100 सालों से है और देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से भी मेरा परिवार एक है। हम लोग उस विरासत को आगे बढ़ा के ले जाएंगे और क्षेत्र में विकास, लोगों का मान सम्मान मेरी प्रायोरिटी रहेगी और ऐसा काम इस बार हमको करना है कि 30-40 सालों तक लोगों को उसका फायदा मिले। अगर हम मोहम्मदाबाद विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा में जो करैल का इलाका है और खासकर जो पूरा मोहम्मदाबाद की बात करें तो सड़कों को लेकर लगातार दिक्कतें हैं, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेकर क्या बतलाएंगे? मोहम्मदाबाद में कितनी दुख की बात है कि आज ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का, सारे जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भारतीय जनता पार्टी, सांसद, चीफ मिनिस्टर, प्राइम, सब पर एक भी नई रोड इन लोगों ने नहीं बनाई। जो हम ही लोगों ने बनाई थी उसी को सिर्फ रिपेयर किया। 3 पुल है मोहम्मदाबाद विधानसभा में, मुख्य पुल, एक कठवा मोड़ का पुल जो 5 साल हो गया नहीं शुरू हो पाया, एक औथाई में पुल है जो 5 साल हो गया नहीं बन पाया, एक बसनिया में पुल था कनुआन के पास जो 5 साल हो गए, ये 3 पुल थे। ये पीपा पुल तक अभी तक नहीं चालू हो पाया जो दिसंबर में हर बार हो जाता था। अब देखिए कितनी दुख की बात है, क्या कर सकते हैं और ये लोग। आखिर क्या कारण लगता है कि 5 साल सरकार ने इनको पूरा समय दिया, जनता ने भी समय दिया, फिर 5 साल के अंदर इन लोगों ने सड़कों को दुरुस्त नहीं करा पाया? भ्रष्टाचार हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सब जांच होगी, सब खुलेगा सामने। क्या लगता है जांच में कौन लोग दोषी पाए जाते हैं? जो भी दोषी हैं, जनता जाननी, जनता के टैक्स के पैसों के साथ जो चोरी हुई है इसका इंसाफ होगा। और ये इस तरह से ये लोग जो भ्रष्टाचारी लोग हैं बचने वाले नहीं है, वो जांच होगी। मोहम्मदाबाद विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर हमेशा लड़ाई अंसारी परिवार और स्वर्गीय कृष्णानंद राय को लेकर लड़ा जाता है, क्या लगता है ये परंपरा आगे भी कायम रहेगा या उसमें कुछ चेंजिंग आएगी? हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, महंगाई से है, जुल्म अत्याचार जो हो रहा है लोगों के ऊपर उससे है, भ्रष्टाचार से है। नौजवान मेहनत करते करते उम्र निकल गई, उनके बारे में सोचना है हमें, नौजवानों के बारे में सोचना है। हमारे पास मोहम्मदाबाद विधानसभा में एक नौजवानों के लिए स्टेडियम नहीं, हमें नौजवानों के लिए स्टेडियम भी ले आना है। बिजली के मामले में बहुत पीछे रह गया, 5 साल में एक भी नया काम यहाँ हुआ, एक सिंगल स्कूल तक नहीं बना पाए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है? ऐसे में अगर देखा जाए जो यहाँ की विधायक कलकर है, जब भी कहीं भी बयान देती हैं तो हर बयान में उनका मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार को लेकर आता है, कभी वो विकास के बारे में क्यों नहीं बात कर पाती हैं? उनकी निजी राय है, हम अपनी बात करेंगे, जो हमारी विकास की बात है या जो भी लोगों के सम्मान की बात है, लोगों के दुख सुख में शरीक होने। मोहम्मदाबाद की जनता, हमारे परिवार का एक पारिवारिक रिश्ता चला आया है और हम लोग भी वादा करते हैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ कि हम भी उसी तरह जैसे हमारे बड़ों ने निभाया है, हम भी उसी तरह मोहम्मदाबाद की जनता का मान सम्मान करेंगे, उनके दुख सुख में शामिल होंगे, उनके एक बेटे, एक भाई, एक सेवक। ऐसे में यदि मोहम्मदाबाद की जनता आपको विधायक बना देती है तो मुख्य रूप से प्रथम एजेंडा क्या रहेगा? वो जो हमारे नेता ने बिना मांगे मोहम्मदाबाद की जनता को, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था देश का सबसे लंबा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उन्होंने दिया। उसके साथ साथ उन्होंने हमें 3 चीजें और दी थी, एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा दिया था, कृषि मंडी दी थी किसानों के लिए और दूध की डेयरी दी थी। तीनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ से छीन के ले जाके गोरखपुर दे दिया। यहाँ के भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने एक चिट्ठी तक लिखने का कष्ट नहीं किया। हो सकता वो चिट्ठी लिख देते, अनुरोध हो जाते, कर देते तो बन जाता, पर वो हमारे नेता को बनाना था, वो हमारी समाजवादी सरकार आएगी, हम ही लोग बनाए। ऐसे में कुल मिलाकर माना जाए कि इस बार का जो चुनाव होगा सपा बनाम भाजपा होगा या मन्नू अंसारी बनाम अलका रहेगा? हमारी लड़ाई कहे तो नहीं, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, जुल्म अत्याचार से है और जो यहाँ किसानों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, बाढ़ आई है, जो चीजें आई हैं वो उस चीजों से हमको लड़ना है। जो लोगों को बाढ़ में फसलें डूब गई हैं, अन्ना पशु हैं जो फसलें खा जा रहे हैं, हमें इन सब लोगों। तो ये थे हमारे साथ मन्नू अंसारी, जिन्होंने हमारी बातों को बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया है। ऐसे में हम किसी भी बड़ी हस्ती से लगातार आपसे रूबरू कराते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।